बीते 4 सालों से प्रदेश के लाखों तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर समय समय नजर आए हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों की सौगात देते हुए 8 अगस्त से 25 अगस्त तक तबादला आवेदन लिए। प्रदेश के करीब 85,000 से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए, लेकिन करीब 9 महीने का समय बीत जाने के बाद भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जारी नहीं होने से शिक्षकों में आक्रोश है। तो बीते दिन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की ओर से नई तबादला नीति आने के बाद नए सिरे से तबादला आवेदन लेने के बयान के बाद शिक्षकों में आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। तबादला सूची जारी करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। साथ ही तबादला सूची जारी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री आवास तक के घेराव की चेतावनी दी। शिक्षकों के समर्थन में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने भी समर्थन करते हुए प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि तृतीय शिक्षक भी सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। लंबे समय से शिक्षकों के ट्रांसफर रोक रखे हैं, इसे जल्द बहाल करते हुए सरकार को तृतीय शिक्षकों के ट्रांसफर लिस्ट जारी करनी चाहिए। जो सरकार बंदा बटन भी दबवा दिया ना, जो सरकार तो गई, इसी बातों से वो ठंडा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो शाम हो। तीसरी और सबसे अहम बात, हम भी कोई पार्टी का हिस्सा होनी चाहिए। रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, पीने की क्या व्यवस्था होगी। मैं सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करूंगा, मेरा तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी वो साथी है जो राज्य सरकार पिछले 9 महीने से आवेदन लेने के बावजूद भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्तरों की सूचियां जारी नहीं कर रही है, जिसमें शिक्षा मंत्री बार बार ट्रांसफर नीति की जो बात करके ये ट्रांसफर रोकने का कार्य करते हैं, उसको राजस्थान के शिक्षकों में बहुत भारी रोष देखने को मिला है। जिस प्रकार राजस्थान के शिक्षा मंत्री ट्रांसफर नीति की कल के बयान दिया था, उसको हम पूरे राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षक बिल्कुल ट्रांसफर नीति की बात को जो बात रखी उसको सीधे से खारिज करते हैं।